Hello everyone, welcome to the classes. An academy में आप सब लोगों का स्वागत है. आई होप मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है. ओके, सो प्लीज लेट मी नो इफ माई वॉइस इज क्लियर और नॉट. राइट, सो आई होप द वॉइस इज क्लियर. एंड आज दोस्तों हम लोग हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसका हम लोग रिविजनरी सेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, इसीलिए आप सब लोग इसको अटेंड कर सकते हैं. राइट, और आप सब लोग लेट्स क्रैक सीए एग्जाम्स में हैं. राइट, ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है और काफ़ी तेज़ी से ये चैनल ग्रो कर रहा है. जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हो गए हैं. बेसिकली अन अकेडमी आपको इस चैनल पे टॉप एजुकेटर्स प्रोवाइड करती है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती है और ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करती है. तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो है अन अकेडमी का एक ऐप भी है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. दिस ऐप इज़ अवेलेबल इन प्ले स्टोर. दिस ऐप इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन ऐप स्टोर. iOS डिवाइस हो या फिर एंड्रॉयड डिवाइस हो, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड ऑब्वियसली विद द टॉप एजुकेटर्स. एंड इसके अंदर में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन आता है. ये सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं. एंड आप देखेंगे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास में बहुत सारे प्लान्स होंगे, लेकिन उन प्लान्स के पहले मैं आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी आपको क्या क्या देता है. जैसे ही अनअकैडमी ऐप पर आप आते हैं तो आपको वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलती है. जी हाँ दोस्तों, डेली लाइव क्लासेस. आप अपने पसंदीदा एजुकेटर्स के साथ में चैट कर सकते हैं, आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं, आप उनके द्वारा दिए गए क्वेश्चंस का पोल में आंसर दे सकते हैं. आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, बाकी जनता उस समय क्या सोच रही है आंसर को लेकर, और ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन. यानी कि जब क्लास चल रहा है उसी समय आप लोग जो है ये सब देख पाएंगे और दैट्स अ रियली वेरी ब्यूटीफुल थिंग. नॉर्मल फेस टू फेस क्लासेस के अंदर में हमने देखा कि आज कोरोना की वजह से जो है हम लोग सब लोग एजुकेशन इंडस्ट्री ऑनलाइन आ गई है, और एजुकेशन इंडस्ट्री ऑनलाइन आने की वजह से हुआ ये है दोस्तों कि हम लोग घर से पढ़े, हम लोग जो है घर से पढ़ा रहे हैं, और ये फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि फेस टू फेस क्लासेस से ज़्यादा बेटर ऑप्शन ऑनलाइन क्लासेस है, क्योंकि इसके अंदर में जो कन्वीनियंस है वो बहुत ही बेहतरीन है. राइट, सो हेलो गणेश, हाउ आर यू. और आप देखेंगे कि अनअकैडमी पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिल जाता है. ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए आराम से जो है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सब चीज़ें मिल जाती है. यू गेट द लाइव टेस्ट ऑल्सो, लाइव टेस्ट आपको मिल जाता है, तो आप मॉक टेस्ट के जरिए अपने परफॉर्मेंस को वैल्यूएट कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गेट द अनलिमिटेड एक्सेस. यस गाइस, अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है. सो वेयर यू कैन हैव योर रिकॉर्डेड क्लासेस, आप लाइव कोर्सेज, ये सभी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं अनअकैडमी पर. सो दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी. मैं आपको प्लान्स इसके बता देता हूँ कौन कौन से प्लान्स हैं. लेट मी सी कौन आया है. हाई गणेश, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप. यू केम एट 1.03, दैट्स ग्रेट. ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में एक बार बता दीजिए कि सर लाइव आ गए हैं, रिवीजन उनको जो है अटेंड करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो लोग रिवीजन अटेंड कर सकते हैं. बिकॉज ये आखिरी रिविजनरी क्लास होगा, इसके बाद में कोई भी रिविजनरी क्लास नहीं होने वाला है. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटलीस्ट, बिकॉज अभी एग्जाम्स भी आपको है कि दिसंबर 8 में जो है उसको ये कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा यू नो, कई लोग तैयारी कर रहे थे, कई लोग तैयारी नहीं हुई थी, तो कुछ लोग खुश हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स निराश हुए बिकॉज ये पोस्टपोन होते होते दिसंबर में चले गया, ये उम्मीद नहीं था. तो आपको किस किस तरह का यहाँ पर जो है प्लान है वो मैं आपको समझा देता हूँ. पहला जो है आप देख सकते हैं कि एक महीने का प्लान है आपके पास में, फिर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स तक के भी प्लान्स हैं. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो यू शुड गो फॉर द 24 मंथ्स प्लान, जहां पे आपको 788 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लगते हैं.
और यहाँ पर अगर आप लोगों को 10% ऑफ चाहिए तो उस केस में आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, माई कोड इज PINKESH, आप इस कोड को इस्तेमाल करके जो है 10% ऑफ ले सकते हैं। हाय रुजुता, गुड आफ्टरनून। राइट, द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इसके अंदर में फाउंडेशन भी मिल जाता है और इंटरमीडिएट भी मिल जाता है। सो बेसिकली दोस्तों, इससे अच्छा डील इकोनॉमिकल अफोर्डेबल कोई और हो ही नहीं सकता। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन कीजिए अनअकैडमी पे। आज हमारा 6:30 बजे क्लास है। राइट, बहुत सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है अनअकैडमी पर। राइट, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ 16 तारीख से प्लस क्लास भी मेरा शुरू होने जा रहा है, तो प्लस क्लास के अंदर में भी अगर आपको चाहिए कि आप उसको देखें तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट, चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और ये पेपर टू जो कि 60 नंबर्स का है, ठीक है, पेपर टू एक्चुअली 100 नंबर्स का है, उसमें मैं कौन सा पोर्शन कवर कर रहा हूँ, दिस बिजनेस लॉ जो कि 60 नंबर्स का है। इसके अलावा जो है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है। राइट, ये सारी चीज़ें कवर होगी। सो वी हैव विष्णु, वी हैव ध्रुव, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी बेटा, CA की स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहें। देखो, इसके पहले आज तक ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हुई। राइट, तो हमने देखा है इसके पहले जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे मई के महीने में, ठीक है, पिछले साल मई के महीने में, तो उस समय भी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया गया था। एंड उसके पहले भी 2014 में भी ऐसा हुआ था कि पोस्टपोन्ड हुई थी एग्ज़ाम्स। और जब मैं CA कर रहा था उस समय CPT साल में 4 बार होती थी, फरवरी में होती थी, फिर उसके बाद में मई या फिर जून में होती थी, फिर अगस्त में होती थी, फिर दिसंबर में होती थी। राइट, तो ऐसा बहुत बार हुआ है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है, लेकिन आपके साथ नया ही इतिहास रचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो कोरोना का स्थिति है, उसके अंदर में एग्ज़ाम्स को जो है 2-3 बार जो है डिले किया गया है। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ कि जो मई वाला एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया। इंस्टीट्यूट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मई का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये कि एक बार मैं जब CA जब मैं बन गया था, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था कि पेपर जो है वो लीक हुआ था, CA इंस्टीट्यूट का पेपर लीक हुआ था। 57 ईयर्स में पहली बार जो है पेपर लीक हुआ था। एंड उस समय देखिए एक एग्ज़ाम कैंसिल हुई, उस समय बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स गई, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों उस समय लोगों को क्या प्रॉब्लम गया होगा। तो बेटा फ्रस्ट्रेशन तो आता है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन तो आता है, फ्रस्ट्रेशन तो फील होगा, हम सबको फील होगा, लेकिन दोस्तों और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कुछ लोग ICI को गाली दे रहे थे। बेटा ICI को गाली देने से क्या होगा, मुझे आप बताइए क्या होगा ICI? आप उसी के मेंबर बनने वाले हो, आप उसी इंस्टीट्यूट में CA बनने वाले हो, उसी का मेंबरशिप लेकर जो है आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। तो उनको कुछ भी गलत बोलने से, वो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है। तो अगर आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है तो कोई बुक खरीद लीजिए अच्छी वाली, कोई मोटिवेशनल किताब खरीद लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। रोज अगर 2 पन्ने भी आप पढ़ते हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको, आधा घंटा लगता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए, कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम आप लोग अटेंड कर सकते हैं अपने रिलीजन से रिस्पेक्ट, कोई मेडिटेशन करना आप लोग सीख सकते हैं। राइट, आप सुबह को देर से उठ रहे थे तो सुबह को जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। फ्रस्ट्रेशन लेने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है। राइट, और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है उन स्टूडेंट्स को जो ये कहते थे कि हमारा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, ये वाला टॉपिक हमारा कमज़ोर है। तो मैं आपको करूँगा कि भाई आप जो है अपने उस वाले टॉपिक को मजबूत करें। जैसे सोगा कई सारे लोगों का कमज़ोर है, तो सोगा फिर से जो है पढ़ना शुरू करो, दूसरे टीचर से पढ़ना शुरू करो। कल ही मेरे को एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि उसको इकोनॉमिक्स में सो पार्ट जो है अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है उसको जो है देखो किसी दूसरे टीचर का क्लास है अकेडमी पर, तो उसको ज्वाइन करें। राइट, मैथ्स में अगर कोई कमज़ोर है तो मैथ्स को मजबूत करें, प्रैक्टिस करें। अकाउंट्स में कमज़ोर है तो अकाउंट्स में प्रैक्टिस करें। राइट, सो एक अपॉर्चुनिटी है, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? राइट, सो यू शुड टेक इट। अभी कॉम्पिटिशन और बढ़ गया है, टेंशन और भी बढ़ गई। कॉम्पिटिशन कभी भी दूसरों से नहीं होता, कॉम्पिटिशन खुद से होता है, ठीक है। तो देखिए अगले कुछ दिन जो है आप समझ लीजिए कि अगर आज है अराउंड 14 या 15 जो है अक्टूबर है आज, राइट, 14-15 अक्टूबर है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए अगले महीने वापस 14-15 तारीख आता है, दिवाली का समय आता है, राइट, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपको 30 डेज मिले हैं। 30 डेज तो आपको पढ़ाई
आप नहीं करने को मिलती थी। अब 30 डेज में आपको ये पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, रिवाइज तो करते रहना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में एडिशनल क्या आप डाल सकते हो कि आपको फ्रस्ट्रेशन फील ना हो। सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर सम बुक्स, कुछ बुक्स खरीदो, मोटिवेशनल किताबें खरीदो, राइट। बहुत सारी बुक्स है, अगर आपको लगता है तो मैं एक दो सजेस्ट कर दूंगा आपको, जो है एंड में, वीडियो के एंड में आपको सजेस्ट कर लूंगा, राइट। या फिर कुछ ऑनलाइन कोर्सेस आप कर सकते हो, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पर जो है आप लोग जो है ज़्यादा फोकस कर सकते हो, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है गाइस, ये 30 डेज जो है, देखिए अभी आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं तो फ्रस्ट्रेट होने का कोई रीज़न है नहीं इसके अंदर, ठीक है। मैं करता हूँ सजेस्ट, आखिरी में मेरे को याद दिलाइएगा, जब एग्जैक्टली 2 बज जाएंगे मेरे को याद दिलाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बाकायदा वो बुक दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अपनी लाइब्रेरी से निकाल कर, एंड आई विल सजेस्ट, राइट राइट। सो हेलो शुभी, वेलकम टू द क्लास, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, कुछ भी मत सोचो दिमाग के अंदर में, इज रादर अ न्यू टाइम, एक टाइम है बेटा, मरने से अच्छा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। देखो आप जाओगे एग्ज़ाम में, अगर खतरा ज़्यादा रहेगा तो उसके इसके अंदर में जो है प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, आपके घर वालों को भी जो है खतरा रहेगा उस चीज़ का, ठीक है। एक समय था जब स्टूडेंट्स लॉबी पूरा पूरा लॉबी बना के कह रहा था कि नहीं इंस्टीट्यूट गलत कर रहा है, इंस्टीट्यूट गलत कर रहा है, एक आंदोलन टाइप का खड़ा कर दिए थे। अब बेटा आपकी वजह से चीज़ें पोस्टपोन हो गई हैं, इंस्टीट्यूट डर गया है, तो आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसी इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने वाले हो, कुछ समय के बाद में 4-5 साल 10 साल के बाद में हो सकता है कि आप लोग जो है वहाँ पर बैठे रहे और स्टूडेंट्स आपको बोले कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करो, पीपोन करो, एंड दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। अब नवंबर में आओगे ना, नवंबर नवंबर मतलब मैं अक्टूबर में भी हूँ, नवंबर में भी हूँ, ये 2 महीने तो फिक्स हूँ, उसके बाद में आपके अनअकैडमी की जो है दया, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, राइट। आप सहयोग कीजिए, आप जो है पूरी की पूरी क्लासेस को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस है उसको जाके एक बार विजिट करो, उसको 3-4 मिनट देखो, उसको लाइक करो, लाइक का रेशो बढ़ाओ, उसमें व्यूअरशिप को बढ़ाओ, तो अनअकैडमी को जो है वो कर देगा, आगे बढ़ा देगा, और कुछ नहीं, राइट। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जो है रिविजनरी क्लासेस आज ही हम लोग शुरू करते हैं बेटा। बिल्कुल भी फर्स्ट मत होना बेटा, बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ, ठीक है, मेरे से बात करते रहो, राइट। अनअकैडमी पे मैसेज वाला बॉक्स है, उसमें भी आप भेज सकते हो, ओके। एंड एक ग्रुप भी मैंने इसके पहले दिया था, तो वो ग्रुप में भी आप लोग जो है बात कर सकते हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू, राइट गाइस, ठीक है। चलिए तो बेटा हमारे सिलेबस के अंदर में क्या क्या है, सो वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी हैव सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वी हैव इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, वी हैव कंपनीज एक्ट। आज से एक महीने पहले आपको लॉ में जितना कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे हिसाब से हमारे पास में आने के बाद में, क्लासेस करने के बाद में, ग्रुप में स्टडी करने के बाद में, आप लोगों को जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। देखो सभी के सभी, पांचों के पांचों आपके पास एक्ट्स हैं और सभी में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, राइट। सो इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स को हमको कवर करना है। पहला यूनिट रहेगा बेटा नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर 2 यूनिट वुड बी अबाउट कंसिडरेशन, थर्ड वुड बी द अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ यूनिट रहेगा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ यूनिट रहेगा ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज, और 6th यूनिट रहेगा कंटीजेंट एंड द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए अगर टॉपिक देखकर ही आपको दिखता होगा कि यार कॉन्फिडेंस है, यार मुझे पता है इसके अंदर में क्या है, यार मुझे पता है कंसिडरेशन के अंदर में क्या है, यार मुझे पता है कि ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या है, रेमेडीज के अंदर में क्या है, राइट, तो ऐसा खुशी आती है अंदर में, ठीक है। अब ये खुशी को खोना नहीं है, इसको जो है बरकरार रखना है, इसको एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है, राइट। मुझे पता है आपकी कौन सी तैयारी नहीं हुई होगी लॉ के अंदर में, अब वो करने का मौका आ गया बेटा, वो करने का आपके अंदर में जुनून भी है, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ये क्लास थोड़ा सा जो है फास्ट रहेगा, जैसे आपको पता है बिकॉज इट्स अ रिवीजन क्लास, सो इट नीड्स टू बी फास्ट, ठीक है, ये फास्ट रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो आप सब लोग रेडी हो तो हमारे एक कोड वर्ड रहता है बेटा, वो कोड वर्ड डाल दीजिए, ठीक है। आवाज़ एकदम बराबर आ रही है बेटा, आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना, लेट मी नो, आवाज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से आवाज़ का क्वालिटी आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ रहा होगा, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस एंड ऑल, राइट। और यस दैट्स ग्रेट, ठीक है। रुजुता बोल रही है नो, आवाज़ का क्वालिटी अच्छा नहीं है रुजुता, कि अच्छा है, ओके दैट्स ग्रेट। सो वे ध्रुव, रुजुता, विष्णु, शुभी, यस राइट, और 2-4 लोग बैठे हुए हैं लेकिन किसी भी तरह से रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। एक बार रिप्लाई कर लो, उसके बाद में आराम से वाइट स्क्रीन कर लेना और आराम से गद्दे में बैठ जाना बेटा, कि गद्दे में बैठने वाला क्लास है, यहाँ पर मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों से, ठीक है।
और कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ही अनसर्टन हूँ, कभी भी मेहनत भी करवा लेता हूँ, ठीक है? यस गणेश, एक्सट्रीम क्लियर, दैट्स ग्रेट। ओके, सो पहली बात बेटा, लॉ क्या होता है? लॉ इज अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट इन द सोसाइटी। इंसान लोग जो है प्यार से रहे, सद्भावना से रहे, राइट, किसी को भी जो है मारे पीटे ना, इसलिए लॉ बनाया जाता है, ठीक है? तो लॉ इज गुड फॉर द कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए लॉ बनाया जाता है, ठीक है? अब लॉ बना तो दिया आपने, लेकिन उसको एनफोर्स करने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए, ठीक है? तो अथॉरिटी में लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है। स्टेट गवर्नमेंट पे बात करें तो स्टेट में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर कुछ भी प्रॉब्लम जाता है लॉ की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बेटा? इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, ठीक है? सजा कितनी देनी है वगैरह वगैरह, अगर इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाता है तो उसके लिए किसको अपॉइंट किया गया है? कोर्ट को अपॉइंट किया है। तो बेसिकली दोस्तों, कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी अगर किसी पार्टी के बीच में डिस्प्यूट आया है, कि कहीं पर कोई लफड़ा हुआ है, उसको सुलझाना है, तो उसके लिए किसको लाया गया है? कोर्ट को लाया गया है। और ये सब क्यों किया गया है? ताकि सब लोग जो है पीसफुली जस्टिस के साथ में, सोशल सिक्योरिटी के साथ में जिए, राइट? तो लॉ है तो अथॉरिटी भी रहेगी। और हम लोग किससे डील करने वाले हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता कि दे आर ओनली डीलिंग विद द मर्केंटाइल लॉ। सब्जेक्ट का नाम पता रहता है, लेकिन वॉट इज दिस मर्केंटाइल लॉ? इट्स अ कमर्शियल लॉ, इट्स अ बिजनेस लॉ। सो यहाँ पर देश तो हम लोग क्या नहीं पढ़ने वाले, हम लोग क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ने वाले, क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ने वाले, जो आप टीवी में देखते रहते हो ना, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे इसने इसको मार दिया, इसको ये सजा हो रही है, हम रिया वाला केस नहीं देखने वाले, समझ रहे कि नहीं? रिया वाला केस हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, आर यू गेटिंग ऑन नॉट? SSR वाला केस जो है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये CA की पढ़ाई में ये सब चीज़ें नहीं आती। जब मैं शुरुआत में लॉ पढ़ा रहा था, बच्चे पूछते थे सर उसको जो है जेल होगी कि नहीं होगी, मैं बोलता था भैया हमारे CA के अंदर में क्रिमिनल लॉ नहीं आता, उसके लिए आपको लॉयर वगैरह बनना पड़ेगा, लॉयर वगैरह को जो ये सब चीज़ें करना है अपन को नहीं करना है, राइट? सो यहाँ पर आएगा बेटा मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ, दैट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ विच रेगुलेट्स अ बिजनेस एंड द कमर्शियल ट्रांजेक्शन। जितने भी बिजनेस है, सेल परचेज है, आपकी सैलरी वगैरह है, ऑल दैट, राइट? यहाँ पर ये सभी चीज़ों की बात होने वाली है। और इसके अंदर में क्या क्या आता है? इसमें आता है सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ओके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने वाले इसके अंदर में, गुड्स को बेचते समय क्या लॉ है, राइट? पार्टनरशिप कर सकते कि नहीं कर सकते, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी कैसी रहेगी, कंपनी बना सकते कि नहीं बना सकते, ठीक है? चेक के रिस्पेक्ट में, बिल ऑफ एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में, प्रॉमिसरी नोट के रिस्पेक्ट में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, इंश्योरेंस, ये सभी चीज़ें आएगी बेटा इसके अंदर में, कमर्शियल लॉ के अंदर, ठीक है? नाउ कमिंग टू अवर फर्स्ट डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन हम लोग इसके अंदर में कवर करते हैं और वो है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया है कि हर एक एक्ट के अंदर में डेफिनेशन का सेक्शन रहता है, ठीक है? वो रहता है सेक्शन नंबर 2। और हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या बता सकते हो बेटा? सेक्शन नंबर 2H, क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लॉज नंबर H, क्या बोलेंगे बेटा? क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2, ठीक है? अगर मान लो इसमें ऐसा लिखा रहता था, 2(1) लिखा रहता था, तो भी मैं इसको क्या पढ़ता था बेटा? क्लॉज 1 पढ़ता था, क्योंकि वो कौन सा है बेटा? सेक्शन डेफिनेशन का है, ओके, ऑफ सेक्शन नंबर 2, राइट? ऐसे। और बाकायदा आपको इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एच लिख कर आ गए, आपको ब्रैकेट के अंदर में इसको डालना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है? ये कहता है सेक्शन नंबर 2H कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या बनना है बेटा? एग्रीमेंट बनना है। और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ द्वारा क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल होना चाहिए, यानी कि लॉ द्वारा क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर आपका वो एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, लॉ उसको मानता है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करता क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो हेमू, कैसी हो, राइट? कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज को बाइंड कर देता है, समझ में है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है, ओके? और ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ता है। अगर ये ऑब्लिगेशन आपने फुलफिल नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। तो पहले तो समझेंगे बेटा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमने एग्रीमेंट बनाया, तो ये एग्रीमेंट कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हम नीचे ड्रैग डाउन करते जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आता है बेटा एग्रीमेंट। अब देखेंगे एग्रीमेंट के नीचे क्या आता है। तो एग्रीमेंट के नीचे क्या आता है बेटा? प्रॉमिस। तो लेट्स सी प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है? तो देख सकते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें रहा, एक क्या रहा बेटा? एक रहा एग्रीमेंट और दूसरा रहा बेटा लीगल ऑब्लिगेशन। जब भी लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है बेटा एग्रीमेंट को, तो ऐसे एग्रीमेंट को ही रिकॉग्नाइज करता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें क्या आती है? लीगल ऑब्लिगेशन आती है, उसी चीज़ को वो एनफोर्स करता है।
अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ बेटा। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्री, ठीक है, उसके बाद में मैन, मैन मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, टू या टू मोर, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? मैन। दो मैन जब एग्री होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीमेंट। ये दो मैन दिख रहे हैं बेटा, ये दो मैन क्या हो जाएंगे? एग्री हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा, राइट। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए एक इंसान ने दूसरे इंसान को प्रॉमिस करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, तो प्रॉमिस कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है, मैं तुमको कुछ दूंगा। ओके एवरीवन, तो ये हो गया प्रॉमिस, मैं तुमको कैलकुलेटर दूंगा, मैं तुमको पैसा दूंगा। अब बेसिक बात क्या है बेटा, क्यों कोई भी इंसान दूसरे इंसान को प्रॉमिस करेगा? ठीक है, एक होता है भाई ये इंसान इसका पति है इसलिए पत्नी को खुश करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है ना, होता है कि नहीं होता है? ओके और एक सेकंड होता है कि जब मेरे को उससे भी कुछ चाहिए, ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। कितने लोग मानते हैं बेटा दुनिया बहुत ही मतलबी है? सर हम लोग तो मानते हैं दुनिया बहुत ही मतलबी है। ठीक है, मतलबी इतनी है कि सर हमेशा बोलते हैं कि आप 6 लोग बैठे हो लेकिन अभी तक 1 लाइक आया है, तो आपको क्या करना चाहिए? लाइक बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? यस सर, दुनिया मतलबी है। ओके तो सर हमको पढ़ा रहे तो सर को हम लोग पैसे देंगे। ठीक है, हम अनअकैडमी को पढ़ा रहे हैं तो सॉरी अनअकैडमी को पढ़ा रहे कि अनअकैडमी के थ्रू पढ़ा रहे तो हम भी अनअकैडमी से क्या ले रहे? पैसे ले रहे। पहले अनअकैडमी क्या था बेटा? फ्री वाला काम था, ठीक है, आओ फ्री में पढ़ाओ जाओ, राइट, इस तरह से था। ओके लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया, अभी फेसबुक से उनको बहुत सारे पैसे मिलने लग गए हैं, राइट, सो मेनी थिंग्स, राइट। सो बेसिकली ए ने बी को प्रॉमिस किया तो बी भी ए को क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी यही तो बात कर रहा हूँ बेटा, ए बी को प्रॉमिस कर रहा है, बी भी जो है ए को प्रॉमिस कर रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं म्यूचुअल प्रॉमिस। ठीक है, क्यों प्रॉमिस कर रहा है? बिकॉज सामने वाला प्रॉमिस कर रहा है, राइट। जब एक दूसरे के वास्ते आप कोई भी चीज करते हो तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंसिडरेशन। भाई अगर आपको, ठीक है, दो कागज चिपकाने हो या फिर दो लकड़ियां चिपकानी हो तो क्या करना पड़ता है? फेविकॉल की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से दो प्रॉमिस को चिपकाना है, एग्री करना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत रहती है? कंसिडरेशन की जरूरत रहती है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न होता है, राइट। तो आपने बेसिकली जो है क्या किया? प्रॉमिस किया। अभी प्रॉमिस कैसे होता है? ठीक है, ये म्यूचुअल प्रॉमिस कैसे होता है? तो बेसिकली दोस्तों कुछ तो इसकी शुरुआती पॉइंट होना चाहिए ना। शुरुआती पॉइंट कैसा होता है? मान लो आप किसी को प्रॉमिस करना चाहते हो, किसी से प्रॉमिस लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं से तो इनिशिएट करना पड़ेगा। इनिशिएट कहाँ से होता है बेटा? ऑफर से इनिशिएट होता है। कोई इंसान जिसने अपने खेत में टमाटर उगाए हैं, वो अपना टमाटर बेचना चाहता है तो वो चिल्लाएगा। क्या चिल्लाएगा बेटा? टमाटर 5 रुपये किलो, राइट। उसके बाद में एक बंदा आएगा, उसको बोलेगा कि भाई ठीक है मेरे को टमाटर जो है 2 किलो दे दे, वो उसको क्या कर देगा बेटा? एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो एक बंदे ने टमाटर देने का वादा किया और दूसरे बंदे ने जो है उसका पैसा देने का वादा किया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसको बोलते हैं एक्सेप्टेड प्रपोजल। ऑफर मतलब क्या होता है बेटा? प्रपोजल होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर वर्ड यूज नहीं किया गया है, कौन सा वर्ड यूज किया गया है? प्रपोजल यूज किया गया है। तो बेसिकली एक बंदा प्रपोजल दे रहा है, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये बन जाता है एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बनता है बेटा? एक दूसरे के लिए बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस बनता है एग्रीमेंट। फिर देखना है बेटा क्या ये एग्रीमेंट लॉ की कसौटी पर खड़ा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, कसौटी जिंदगी की, राइट। हर एग्रीमेंट को कसौटी लॉ की फॉलो करना पड़ता है। अगर कसौटी लॉ की फॉलो कर दिया तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो अनुराग बासु बन जाएगा, राइट, नहीं तो वो कोमालिका रह जाएगा, राइट। ओके सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो वैलिड रहता है, लेकिन जिस एग्रीमेंट के अंदर में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रहता है वो चीज़ क्या रहता है बेटा? वॉइड रहता है, वो कोमालिका रहता है, और अगर वैलिड है तो वो हमारा अनुराग बासु बन जाएगा, ठीक है। सो आपने ये सीरियल देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो सिंपल समझ लो कि हर एग्रीमेंट के अंदर में एक लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको जो है ज़्यादा हम लोग भाव नहीं देते, आगे बढ़ते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा अच्छी तरीके से, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। तो पहला एग्जांपल, एक पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं कि मैं तेरे को ऑडी कार लेकर दूंगा, राइट। तो मुझे आप बता सकते हैं कि ये किस तरह की चीज़ है? क्या इसके अंदर में कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ रहा है? जब पप्पा अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा मैं तेरे लिए जो है ऑडी कार लेकर दूंगा, तो इसका मतलब सिंपल है कि पप्पा लेकर देने वाले नहीं है। ये किस तरह का ऑब्लिगेशन है सर? ये एक प्रकार का सोशल ऑब्लिगेशन है, और सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। आप में से कई लोग जो है रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, सीए में बेटा एक बात है, रिलेशनशिप में आओगे तो चांसेस है कि सीए नहीं बन पाओगे,
तो आपको रिलेशनशिप में आना है तो ऐसी लड़की के साथ ही आना, ऐसे लड़के के साथ ही आना जो भी सीए कर रहे हैं, उनके साथ में आना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेकंड चीज़ ये कि आप जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा यू नो ये नहीं रहे कि भाई उसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ज़्यादा पजेसिव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है वो भी क्या होता है बेटा, सोशल होता है, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, राइट। देन इट कम्स कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई भी रिश्ता है, कोई भी किसी भी तरह का जो है रिलेशनशिप है, तो अगेन वो किस नेचर का होता है बेटा, सोशल नेचर का होता है, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि देखो हमको कौन सी चीज़ तलाश नहीं बेटा, लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाली चीज़ तलाश नहीं है। जैसे कि एक बिजनेसमैन जो है दूसरे बिजनेसमैन के साथ क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर एक कंज्यूमर जो है वो किसी बिजनेसमैन के साथ क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। या फिर एक इंसान जो है अपना घर किसी और को बेच रहा है, आप सामने वाले बंदे ने काम पूरा नहीं किया तो सामने वाला बंदा कोर्ट में जा सकता है क्या? इंटेंशन ऐसा है कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं किया तो मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में चले जाऊंगा, अगर ऐसा इंटेंशन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अदरवाइज हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। बताइए दोस्तों, इस केस के अंदर में लड़का जो है अगर पिताजी ने ऑडी कार नहीं दी तो वो कोर्ट में जाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट में जाते क्या? नहीं जाते। वाइफ ने पनीर की सब्जी नहीं बना के दी, हस्बैंड ने डायमंड का सेट नहीं ला कर दिया, तो वाइफ कोर्ट में जाएगी क्या? हस्बैंड कोर्ट में जाएगा क्या? नहीं। यहाँ पर क्या नहीं है बेटा, इंटेंशन टू गो टू कोर्ट नहीं है। एंड व्हेन देयर इज नो इंटेंशन टू गो टू कोर्ट, देयर सिंपली देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहेगा, ठीक है। यस हर्षित, वेलकम टू द क्लास। हर्षित आप पहली बार आए क्लास के अंदर में, लेट मी नो, ठीक है, बाकी सब आपको वेलकम कर देंगे क्लास के अंदर में, राइट। आरटीओ, सर मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, राइट, याद है बेटा आप लोगों को, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, कार भी चला रहा था, कार का लाइसेंस नहीं था मेरे पास में, राइट, और अचानक से जो है पेड़ के पीछे से एक मामू निकल के आता है, बोलता है रुक, मैं रुक गया। उसके बाद में वो मामू कहता है कि तेरे को 600 रुपये का फाइन लगेगा क्योंकि मेरे पास में लाइसेंस नहीं था। अब मामू आपसे 600 रुपये मांग रहा है और आप उसको कहानी सुना रहे हो कि देख भाई मामू मैंने कभी तेरे से बात की, मामू बोलता है नहीं, मामू मतलब आरटीओ ऑफिसर, ठीक है, बोलता है नहीं, बोले मैंने कभी देखो ऑफर किया, मामू बोलता है नहीं, बोले तूने कभी एक्सेप्टेंस किया, बोले नहीं, मैंने कभी देखो प्रॉमिस किया, नहीं, तूने मेरे को कभी प्रॉमिस किया, नहीं, कभी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, नहीं। तो ये जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मेरे को 600 रुपये देने की जरूरत नहीं है। बताइए दोस्तों, आप अगर बिना लाइसेंस के कार चलाएंगे और आरटीओ वाले ने आपको पकड़ लिया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? सर मुझे फाइन भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी भरना पड़ेगा कि यस सर, कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, एग्रीमेंट हो ना हो, मुझे भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा सर? रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि जो आरटीओ के कानून है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आते, वो सेपरेट है, वो हमको थोड़ी ना पढ़ने हैं। हमको रोड ट्रांसपोर्ट लॉस नहीं पढ़ने हैं, अपन लोगों को सिनेमा थिएटर के अंदर में जो है सीट कैसी होनी चाहिए, साउंड कितना ज़्यादा आना चाहिए, वो नहीं पढ़ना है। हमको पॉल्यूशन जो है ऊपर नीचे कौन सी इंडस्ट्री कर सकती है, कौन सी इंडस्ट्री नहीं कर सकती, वो नहीं पढ़ना है। हमको बिजनेस लॉ पढ़ना है, हमको देखना है कमर्शियल डीलिंग्स कैसे होती है, हमको देखना है एग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं, हमको देखने की एग्रीमेंट के अंदर में टर्म्स कंडीशंस कैसे डिसाइड होते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो हर्षित सेकेंड टाइम आए हैं, कोई दिक्कत नहीं हर्षित, वेलकम टू द क्लास। आई होप आपको आवाज़ एकदम क्लियर आ रहा है पूरी तरह से, ओके। तो बेटा ये आरटीओ वाले को आपको फाइन तो देना पड़ेगा, लेकिन आरटीओ कानून के अंदर में देना पड़ेगा, आपको हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में नहीं देना पड़ेगा, हमारे सीए के अंदर में नहीं देना पड़ेगा, उनके कानून के अंदर में आपको देना पड़ेगा, राइट। नंबर पांच जो है, आपने दोस्त को बोलते कि ए दोस्त चल हम दोनों साथ में मिलकर चोरी करेंगे, राइट, एग्रीमेंट किया आप लोगों ने, आपने एग्रीमेंट किया, दोनों ने एग्री कर लिया, उसने आपको प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तेरे साथ चोरी करने के लिए आऊंगा, राइट, और आपने बोला ठीक है जो भी चोरी का माल हो उसका आधा आधा बांटेंगे, राइट। चोरी के लिए आप लोग क्या किए बेटा, एक घर की दीवार पे दोनों पहुंच गए, राइट, और आपका दोस्त जो है दीवार के नीचे उतरा, घर के अंदर एंटर हुआ, लेकिन आप जो है दुम दबा के भाग गए, राइट, उसको जो है पकड़ लिए घर वालों ने, उसको जो है जेल में डाल दिए, राइट। आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग गाइस? ये बंदा जेल से निकलने के बाद आपके ऊपर में केस कर रहा है। क्या केस कर रहा है? ये केस कर रहा है कि ये बंदा जो है मौका है वारदात में जो है छोड़ के चला गया था मेरे को, जिसकी वजह से मुझे जेल हुई, मुझे पुलिस वालों को पैसा खिलाना पड़ा, मेरे को 10,000 का नुकसान हुआ, जज साहब मेरे को इससे 5,000 रुपये वसूल के दो,
बताइए दोस्तों, आपको 5,000 रुपये वसूल के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। वेरी गुड, पहले से ही ध्रुव ने लिख दिया दैट्स एन इलीगल थिंग। बेटा ये ऐसा एग्रीमेंट आप लोगों ने बनाया जो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, क्या आना चाहिए सर, लीगल ऑब्लिगेशन आना चाहिए। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आता है तो वो चीज क्या नहीं बन सकती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती है। जितने भी बच्चे बैठे हैं बेटा, समझा कि नहीं समझा आपको ये चीज, राइट? अगर चोर के साथ में अगर आप लोग व्यवहार करते हैं तो लॉ उसको नहीं मानता। जज साहब उल्टा किसको पकड़ लेंगे बेटा, आपको पकड़ लेंगे। अच्छा तू चोरी का एग्रीमेंट करता है, मुझे बताइए किसी को भी ड्रग्स सप्लाई करना लीगल है कि इलीगल है? रिया और सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है उसके अंदर में क्या चल रहा है, यही तो एंगल चल रहा है इसके अंदर में। आपको क्या लग रहा है कि रिया ने जो है सुशांत को सही में मारा होगा? नहीं बेटा, वो केस को फंसा रहे हैं, वो जानबूझ के यहाँ पर जो है यू नो ड्रग्स वाला एंगल लेकर आए सामने, बिकॉज वो इलीगल है, राइट? तो ड्रग्स लेना, ड्रग्स के रिस्पेक्ट में कोई भी एग्रीमेंट करना, वो क्या होता है, इलीगल होता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट शुभी। यस रुजुता, बहुत बढ़िया। ध्रुव, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, दैट्स रियली वेरी कूल, राइट? तो बेटा सबसे पहले, अच्छा मैं आपको एक चीज अनाउंस करता हूँ, जैसे ही इस क्लास के 60 मिनट्स हो जाए, ठीक है, मेरे को इन्फॉर्म कर देना, बिकॉज मेरे को 60 या 65 मिनट से ज्यादा पढ़ाना नहीं है। उस केस में क्या होता है, आप लोग थक जाते हो और फिर 4 बजे वापस से क्लास है आप लोगों की, राइट? उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कंपनी सेक्ट का रिविजन करने वाले हैं। आपको पता है ऑलरेडी कंपनी सेक्ट का रिविजन करने वाले, पार्ट नंबर कौन सा चलने वाला है, पार्ट नंबर 4 चलने वाला है। पार्ट नंबर 4 और 5 ये दो जो है अपनी रिविजनरी क्लासेस है, ठीक है, कंपनी सेक्ट की, ठीक है, और ये आज और कल में खत्म हो जाएगा, ओके, राइट? और अब 1 से 2 बजे वाली जो क्लास रहेगी जो अभी चल रही है, उस क्लास के अंदर में आपका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिविजन चलेगा। लगभग मैंने इसके अंदर में जो है 9 पार्ट्स मैंने जो निकाले हैं इसके, तो 9 पार्ट्स आपको कंप्लीट करने का है, राइट? इससे ज़्यादा अगर हमको लगता है तो वो भी अपन करेंगे, लगे तो अक्टूबर महीने में हम लोग वो शुरू करेंगे, 1 अक्टूबर से हम लोग उसको शुरू करेंगे। इज दैट ओके एवरीवन, राइट? तो मेरे को यहाँ पे क्लासेस 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेने का है, तो लेट मी नो जब 1 घंटा हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट कि आप बहुत ज़्यादा लॉ के अंदर में इन्वॉल्व रहे, राइट? मैं आई डोंट वॉन्ट, रियली आई डोंट वॉन्ट कि आप लॉ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। कल एक स्टूडेंट ने फोन किया, फोन नहीं किया, मैसेज किया, उसने बोला कि इकोनॉमिक्स में उसको कहीं पर प्रॉब्लम जा रहा है, तो आई एम टॉकिंग विद द अनअकैडमी, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स का वो जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ा के दे सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। हाँ नवंबर, सॉरी नवंबर, अक्टूबर नहीं, सॉरी नवंबर में हम लोग जो है 1 नवंबर से शुरू कर सकते हैं। पूरा दिमाग घूम गया ना, पूरा ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो पहला बेटा क्या होता है, ऑफर होता है, ऑफर के बाद में सामने वाला बंदा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या बन जाता है बेटा, प्रॉमिस बन जाता है, राइट? जब दो जने एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल प्रॉमिस, ठीक है। और ये देखिए बेटा, ये एक्सेप्टेड प्रपोजल, राइट? म्यूचुअल प्रॉमिस क्या कहलाता है बेटा, एग्रीमेंट कहलाता है। देखो ये एक इंसान, ये दूसरा इंसान, ठीक है, ये इंसान बिजनेसमैन है, ये अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है, ये बंदा आर्किटेक्ट है, ये बंदा इसको बिल्डिंग बना के देगा, राइट? दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है। एक इंसान पैसे देगा, दूसरा इंसान इसको कंसल्टेंसी देगा, मजदूर लाकर देगा, राइट? एग्रीमेंट बन गया। अब वो एग्रीमेंट के अंदर में आपको ये देखना है कि बिल्डिंग बनाना लीगल है कि इलीगल है। सर अगर एंकोर्समेंट वाली जगह है, एंकोर्समेंट मतलब क्या होता है, कब्जा की हुई जगह है, वहां पे बिल्डिंग बनाने का कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इलीगल हो जाएगा। इलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ बेटा क्या नहीं होनी चाहिए, सोशल चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए इसके अंदर में सोशल गेन, ठीक है, तो ना सोशल होना चाहिए। पीसीके का क्या हुआ, पीसीके यार, पीसीके इज अ सब्जेक्ट, मैंने पढ़ा वो सब्जेक्ट, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने बुक्स भी मंगवाई थी उसकी, ठीक है, पर इट्स अ रियली वेरी सिंपल सब्जेक्ट यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट है वो, तो मतलब उसके लिए आपको किसी टीचर की जरूरत है, मेरे को ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आई विल टॉक टू द अनअकैडमी टीम, ठीक है। एंड मेरे को ज़्यादा इच्छा जो है अकाउंट्स पढ़ाने की हो रही है एक्चुअली में, कंपेयर टू लाइक बीसीके एंड द इकोनॉमिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो मैं एक लेक्चर तो आपका अनाउंस करूंगा, इकोनॉमिक्स का और बीसीके का एक एक लेक्चर दोनों हम करेंगे। आप मुझे बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, इफ़ यू थिंक दैट वो अच्छा लगेगा तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, ठीक है, राइट? सिंपल है सर, देखो ये अभी विष्णु भी बोल रहा है, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो बीसीके इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट यार, मतलब उसके लिए टीचर के पीछे में उसके आप घर पे पढ़ लोगे ना तो वो वैसे ही हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि उसके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को जो है कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर अनअकैडमी का टीम मानता है तो, ठीक है, राइट। तो इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बन जाएगा, इसके बाद बन जाएगा हमारा प्यारा सा नन्ना सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाई, ठीक है, जो बच्चा लायक नहीं बन पाता उसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं बेटा, नालायक, राइट गाइस?
जो एग्रीमेंट क्या नहीं बन पाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड द वॉइड एग्रीमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, आप सब लोगों को पता है, जो कि बहुत शुरुआत से, इंसेप्शन से ही क्या होता है बेटा, वॉइड होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है, वेग, समझ में आया कि नहीं, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, नो वैल्यू। नो वैल्यू इन वॉट, नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। देखिए ये सोशल वाली जितनी भी चीज़ें की बेटा, इसका कोई भी वैल्यू नहीं, कि इसमें बेटा लॉ की नज़रों में, आपकी भावनाओं में इसकी बहुत वैल्यू है, भावनाओं में इसकी बहुत कदर है, लेकिन लॉ में इसकी कोई भी कदर नहीं है, राइट। लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ओके एवरीवन। तो वॉइड एग्रीमेंट को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लॉ इसको एनफोर्स नहीं करेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए, ठीक है। ये शुरू से ही क्या रहेगा, वेग रहेगा, नो वैल्यू रहेगा, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब इनिशियो, इनिशियो मतलब इनिशियल स्टेज से ही वो चीज़ क्या रहेगी, वॉइड रहेगी पूरी तरह से, ठीक है। सर अकाउंट्स करवा दो, सर आप सारा सब्जेक्ट ला लो, ठीक है। अरे बाप रे हेमू, सर चैप्टर 4 में दिक्कत होता है BCK का, ठीक है। BCK के चैप्टर नंबर DCR मैंने पढ़ा यार, उसमें बहुत अंग्रेजी यार, बहुत अंग्रेजी, 8 था 2 चले गया क्या, अच्छा लैग हो रहा है क्या, ओ माई गॉड इट्स लैगिंग, ओके। सो लेट मी सी, भाई हर्षित है क्या क्लास के अंदर में, हो गया क्या, वापस आ गया क्या भाई, आई होप वापस आ गए। तो चलो बेटा नाउ ओके, होता है एक आध बार दोपहर में ही होता है, 4 बजे वाली क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, दोपहर में ही होता है, एक आध बार जो है नीचे जाता ही है, ठीक है। तो चलिए बेटा, नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बात आपको हमेशा समझनी है बेटा, बड़ा घर किसका रहता है बेटा, बड़ा घर जो है बड़े आदमी का रहता है, ठीक है। तो बड़ा आदमी कौन है, सब लोग बोलेंगे सर बड़ा आदमी कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं बेटा बड़ा आदमी कौन है, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट्स की दुनिया में एक छोटा सा घर किसका है बेटा, वो एग्रीमेंट में छोटा सा घर किसका है, कॉन्ट्रैक्ट्स का है। और इस घर में ज़्यादातर कौन से लोग रहते हैं बेटा, वॉइड एग्रीमेंट वाले लोग रहते हैं, और बहुत ही कम लोग काय के रहते हैं बेटा, बहुत ही कम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले रहते हैं, ठीक है। और इन वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर में भी एक बहुत ही छोटा सा घर किसका है बेटा, बहुत ही खराब लोगों का है, वो बहुत ही खराब लोग कौन से बेटा, वो बहुत ही खराब लोग जो है इलीगल एग्रीमेंट्स वाले लोग हैं। तो आप देखेंगे एग्रीमेंट्स एक बहुत बड़ा घर है, उस घर के अंदर में काम की बातें बहुत ही कम लोग करते हैं, और बेकार की बातें भी कुछ बहुत सारे कम लोग करते हैं इसके अंदर में, बाकी सब प्यार सद्भावना के साथ में रहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वॉइड एग्रीमेंट लोगों को जो है जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप किया बोला क्या बोला BSCR के लिए, तो मैं उसके अंदर में बोला था BSCR में जो है बहुत ज़्यादा इंग्लिश वगैरह है, मेरे को समझ में गया, मेरे को समझ में आ गया पूरा का पूरा, एंड माई इंग्लिश इज ओके ओके, इतना बहुत ही फैंटास्टिक इंग्लिश नहीं है कि आई कुड यू नो टीच यू ईच सेंटेंस एंड इम्प्रूव यू इन दैट लेवल, ठीक है। सो माई कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ओके, इट्स नाइसली डन इन फ्रॉम माई पार्ट, मैं लोगों के साथ में बात कर लेता हूँ, लेकिन पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा मेरे को डाउट जा रहा है उसके अंदर में BCR में, ठीक है। तो मेरे को सब्जेक्ट 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों को पढ़ाऊँ, क्योंकि बेसिकली मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत जाए, ठीक है, जाए तो मतलब ठीक जाए, गलत नहीं जाना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी मैं BCR को जो है फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, BCR को अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, टू बी वेरी फेयर, ठीक है। एज ऑनेस्टी मैं जो है जो इंटीग्रिटी के साथ में बोलना है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। चलो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा, घर किसका बड़ा है, एग्रीमेंट्स का घर बड़ा है, और सभी चीज़ें एग्रीमेंट्स हैं बेटा इस घर के अंदर में, तो कुछ एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट रहेंगे, कुछ इलीगल रहेंगे, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे। तो इस घर के अंदर में बेटा एक रूम किसका है, कॉन्ट्रैक्ट का है, यहाँ पे सीरियस बातें होती है, ठीक है। एक रूम जो है ये हमेशा साजिश करता वालों का रूम है बेटा, यहाँ पे इलीगल चीज़ें होती है, और बाकी सारी जगह क्या होता है बेटा, वॉइड चीज़ें होती है, राइट। बाकी सब लोग जो है ऐसे ही टाइम पास करते हैं, ठीक है, ये लोग सीरियस वाली बात करते हैं, ये लोग जो है बहुत ही खराब बातें करते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो एग्रीमेंट का घर आपको दिखा दिया मैंने, आप लोगों को हॉल में दिखा दिया, कौन बैठे रहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट वाले लोग बैठे रहते हैं, ऑफिस है घर के अंदर में, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कुछ लोग यहाँ पे चकलस करते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स करते हैं, राइट। और कौन सी चीज़ एनफोर्सेबल है, कौन सी चीज़ एनफोर्सेबल नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दी। कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल,
void agreements are not enforceable, illegal तो not enforceable है ही, लेकिन इसके लिए आपको क्या हो सकता है सर, इसके लिए हमको punishment भी हो सकता है। तो बेटा punishment वाली चीजें नहीं करने का अपन लोगों को, हमको या तो क्या करना है agreement करना है, कौन सा वाला void agreement करना है, या फिर क्या करना है contract करना है। तो हमारा priority तो किसके ऊपर रहेगा बेटा, contracts के ऊपर में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ के जो है देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट, ओके एवरीवन। तो इसका जो है डिफ्रेंसिएशन आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में इसके आने की संभावनाएं बहुत कम हो गई है, बिकॉज इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि ऐसी चीज पूछे जो सबको आती है, लेकिन आ गई तो कई लोगों को रहता है कि पहले चैप्टर में से बहुत कम आता है तो इसलिए बोले हम पढ़ते ही नहीं है, तो कभी कभी आ सकता है बेटा। यहाँ नहीं आए तो आपकी बीकॉम कोई ना कोई एग्जाम के अंदर में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोग जो है ग्रेजुएशन करोगे, एमबीए करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा। दिल्ली में एक कॉलेज है बेटा, दिल्ली में निफ्टम करके कॉलेज का नाम है, फूड प्रोसेसिंग का वो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ाया जाता है। सो वहाँ के स्टूडेंट ने मेरे को जो है कॉन्टैक्ट किया था, उसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट एक की क्लासेस देखी, तो ही वॉज क्वाइट इंप्रेस्ड फ्रॉम माई टीचिंग, सो ही वॉज टेलिंग मी कि सर हमको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, बोला दैट्स अ रियली वेरी गुड थिंग, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग वाले बच्चे भी जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पास से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के बाद में आप हर जगह जाए और खुद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाए लोगों को, ठीक है। सो इट वुड बी वेरी नाइस टू सी द स्टूडेंट्स आर टीचिंग अदर्स, ठीक है, आपको उसका नॉलेज होता है, ओके। सबसे पहले बेटर अब देखिए एग्रीमेंट किसके अंदर में डिफाइन है, एग्रीमेंट डिफाइन है सेक्शन नंबर 2E के अंदर में डिफाइन है, और कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर में लिखा है सेक्शन नंबर 2H के अंदर में डिफाइन है, राइट। 2H B नहीं है, ठीक है, क्या है बेटा H, राइट। 2E के अंदर में एग्रीमेंट कैसे डिफाइन है, अधिकतर लोग बच्चे जो है इसकी गलत डेफिनेशन लिखते हैं, वो क्या लिख कर आ जाते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस लिख कर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। डेफिनेशन ये है, रियल डेफिनेशन ये है, क्या है बेटा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, हर एक प्रॉमिस और हर एक दूसरे के लिए प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस, समझ में आया कि नहीं, जो एक दूसरे के वास्ते है, ठीक है, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, तू मेरे को प्रॉमिस दे मैं तेरे को प्रॉमिस दूंगा, राइट, उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है गलत लिख कर आते हैं डेफिनेशन को, प्लीज इसको जो है बिल्कुल भी इग्नोर मत करना इस बात को, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का डेफिनेशन होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, ये तो सिर्फ समझने के लिए, क्या बेटा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मेन क्या है बेटा ये वाला डेफिनेशन है, मार्क्स किसपे मिलेगा बेटा, ये वाली डेफिनेशन पे आपको मार्क्स मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, राइट। नंबर टू, तो अभी मैंने आपको बताया था किसका घर बड़ा है, किसका स्कोप बड़ा है, तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट का स्कोप बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो छोटा है, ये एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर में लोग सीरियसली बात करते हैं, राइट एवरीवन। डू टेल मी गाइस, थोड़ा थम्स अप डाल दो अगर जो है समझ में आ रहा है तो, ओके। लीगल ऑब्लिगेशन किसके अंदर में क्रिएट होती है, सर ये तो हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, एग्रीमेंट के अंदर में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर में कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। अगर उसके अंदर में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है तो बेसिकली क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ओके। सो इसके अंदर में मे लिखा हुआ है, मे का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अधिकतर बच्चे बेटा इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम रहता है ना, मे नहीं समझता है, कैन नहीं समझता है, माइट नहीं समझता है, राइट, इसमें बड़ी दिक्कत करते हैं, ठीक है। मे का मतलब होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। माइट का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है, होगा, समझ में है कि नहीं, कर सकता है, इस तरह से। तो बेटा ये वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको मे लिखना है, यहाँ पे माइट नहीं लिखना है, कई बच्चे माइट लिख कर आ जाते हैं, कई बच्चे कैन लिख कर आ जाते हैं, अरे भाई मे है तो मे है, माइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ठीक है ध्रुव, ठीक है ध्रुव कैन पास CA, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही पॉजिटिव हूँ, ठीक है, कि ध्रुव क्या पास कर सकता है, CA पास कर सकता है। अगर मैं लिखूँ ध्रुव मे पास CA, तो इसका मतलब बोल रहा हूँ चांसेस है कि बंदा जो है पास भी कर सकता है, फेल भी कर सकता है। अगर मैं लिखूँ माइट पास CA, तो इसका मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि ध्रुव क्या करेगा, ध्रुव जो है CA पास करेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह लिखता हूँ ध्रुव विल पास CA, तो मैं श्योरली बोलूँगा कि ध्रुव जो है CA बनेगा ही बनेगा। अगर मैं इसकी जगह लिखूं मस्ट पास CA, तो इसका मतलब ध्रुव को जो है पास करना ही पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं। तो इन सब में डिफरेंस है, बच्चे ये चीज़ पे ध्यान नहीं देते,
ठीक है, तो प्लीज फोकस ऑन दिस लिटिल लिटिल थिंग्स, इट मे हर्ट योर, अदरवाइज इट मे हर्ट योर एग्जाम में पास होने के प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, राइट। चल उसके बाद में एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहते हैं, एग्रीमेंट्स रहते हैं सर, ये डेफिनेशन के अंदर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भले तो हमसे 4 मार्क्स जो है, 4 जो पॉइंट्स है वो पूछ लीजिए, अभी रिटन टेस्ट ले लीजिए, बताइए 4 पॉइंट्स कौन से रहेंगे। पहला पॉइंट तो मैं बता देता हूँ बेटा, मीनिंग, मीनिंग में आप सब लोग लिख सकते हो बेटा, सेक्शन नंबर 2E का डेफिनेशन यहाँ पर लिखोगे, सेक्शन नंबर 2H का डेफिनेशन यहाँ पर लिखोगे, राइट। और यहाँ पे ब्रैकेट भी डालना है आप लोगों को, ठीक है, ये रहेगा एग्रीमेंट, ये रहेगा बेटा कॉन्ट्रैक्ट। नंबर टू, नंबर टू बताइए दोस्तों क्या रहेगा, नंबर टू में स्कोप रहेगा, किसका स्कोप वाइड है किसका नैरो है, तो यहाँ पर बेटा वाइड स्कोप रहेगा, यहाँ पर कौन सा स्कोप रहेगा, नैरो स्कोप रहेगा, ठीक है। नंबर थ्री बात करते हैं किसकी बेटा, लीगल ऑब्लिगेशन की, तो किसी के अंदर में लीगल ऑब्लिगेशन आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा मे, ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा बेटा मे, और यहाँ पर लिखूंगा हैस, समझ में आया कि नहीं, हैस या फिर हैव लिखूंगा, ठीक है, इसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसमें होती ही है, हैव लिखूंगा, ओके। और सबसे आखिरी में क्या लिखूंगा बेटा, सबसे आखिरी में लिखूंगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है या कौन सी चीज़ छोटी है या फिर उसका नेचर क्या है, तो नेचर में क्या लिखूंगा बेटा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑल एग्रीमेंट्स क्या है, आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं बेटा, एग्रीमेंट्स होते हैं। इस तरह से आपको रिवाइज करना है, पहले आपने पढ़ा उसके बाद में थोड़ी देर शांति से आपने जो है उसको रिकॉल करने की कोशिश की, ऐसे आप रिकॉल करोगे ना तो बहुत फायदा होगा। अभी आपकी क्लास के अंदर में अभी एक बच्चे ने जब भी पूछा था, क्या पूछा था कि भैया सर ट्रिक्स बताओ, सर हमको जो है कोई वे बताओ, कोई सजेशन दो कि किस तरह से लॉ को पढ़े, किस तरह से दूसरे सब्जेक्ट को पढ़े। बेटा पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या करना है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना है। देखो अभी हमने पढ़ा कौन सा टॉपिक था, डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसको क्या किया, रिकॉल किया, आया दिमाग के अंदर में, ठीक है। देखो दिमाग के अंदर में चित्र आ जाना चाहिए, ये 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट में पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, राइट। ज़्यादा रटने का जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ो, किताब बंद करो, दूसरी वाली कॉपी निकालो, रिकॉल करने की कोशिश करो। वुड इट बी हैपन, ये हो पाएगा दोस्तों आप लोगों से, ये हर सब्जेक्ट में करना है, सीए के आखिरी लेवल तक आपको ये करना पड़ेगा। देखो हर चीज़ के लिए निमोनिक्स नहीं बनाए जा सकते, हर चीज़ के लिए आपको जो है बार बार ऐसे सब क्लास में बिठा के सब लोगों को बार बार रटवाया नहीं जा सकता, बोलो 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 ऐसा नहीं किया जा सकता, राइट। एंड देयरफॉर गाइस, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको रिकॉल करने का आदत डालना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सजेशन जो है अच्छा लगा होगा कि एक बार पढ़ो उसके बाद रिकॉल करने की कोशिश करो, राइट। कमिंग टू सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 के ऊपर में आते हैं, सिर्फ 12 से 15 मिनट बचे हुए, 12-15 मिनट के लिए आपको बैठना है दोस्तों। अब सेक्शन नंबर 10, और मैं आपको एक और जगह लेकर जाऊंगा बेटा, ये छोटा सा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दो बेटा इस चार्ट को, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुल मिला के कितनी कंडीशन आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर सर 6 दिख रही है, यहाँ पर 5 दिख रही है, टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिलाकर जो है 11 हो गया मेरे पास में, ठीक है। ये 11 अगर नहीं रहेगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, अगर ये 11 चीज़ें नहीं है तो क्या नहीं बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, राइट। और उसमें से भी सेक्शन नंबर 10 6 चीज़ों की बात करता है, और एग्जाम में बच्चा क्या करता है, ऊपर लिखता है सेक्शन नंबर 10 और उसमें ये वाली बातें भी डाल देता है, ये नहीं करना है बेटा आप लोगों, राइट। अगर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, और अदर देन सेक्शन नंबर 10 के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें और जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, राइट। तो सेक्शन नंबर 10 को हम लोग पहले पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू रीड, ठीक है। तो आइए दोस्तों सेक्शन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल सा सेंटेंस है बेटा सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 यही सेंटेंस है बेटा, यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे खत्म होता है, राइट। चलो ऑल एग्रीमेंट्स, पहले क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए सभी एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो तभी रहेंगे इफ, कंडीशन डाल दिया, कंडीशन नंबर 1, इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, पहली चीज बताई गई फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऑफ द पार्टीज, एस लिखा हुआ है इसका मतलब मिनिमम कितनी पार्टीज होनी चाहिए, 2 मिनिमम पार्टीज उसके अंदर होनी चाहिए, दे शुड बी कंपेंटेड, कंपेंटेड का मतलब क्या होता है, कैपेबल होनी चाहिए, कैपेबल क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होनी चाहिए, राइट। फॉर द लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। एक्सप्रेसली का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसली का मतलब होता है ओरल और रिटन दोनों होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं और लिखे हुए लॉ को पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्सप्रेसली का मतलब क्या होगा बेटा, रिटन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है 6 कंडीशन समझाई गई है,
सबसे पहले उसको क्या रहना पड़ेगा बेटा, एग्रीमेंट रहना पड़ेगा। फिर उस एग्रीमेंट के अंदर में क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फिर कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना चाहिए। फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट उसका जो है वो लीगल होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है, तो एग्रीमेंट का तो मतलब पता है बेटा, वो बड़ी वाली डेफिनेशन क्या है बेटा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीमेंट कहते हैं। ओके, प्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मानना, एक्सेप्ट करना, सामने वाला जो है फ्रीली मान जाए। उसके ऊपर में क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इन्फ्लुएंस कुड बी पोर्शन, पोर्शन हो सकता है, इसके अंदर में आप फिजिकली जो है उसको बंदूक दिखा रहे हो, आप उसको जो है धक्का मुक्की कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप उसके ऊपर में मोरल प्रेशर डालना चाहते हो, इस तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है सेम थिंग इन द सेम सेंस होना चाहिए। ठीक है, जो बंदा खरीदना चाहता है आप उसको वही बेच रहे हो, समझ में है कि नहीं। और सेंस भी क्या होना चाहिए बेटा, उसका भी फ्री सेंस होना चाहिए, तो आप लोगों का भी फ्री सेंस होना चाहिए। ठीक है, सेंसिबल चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर में। ठीक है, आप उसको रुला रहे हो, ठीक है, आप उसको धमका रहे हो, आप उसके साथ में कुछ गलत कर रहे हो, जैसे कि आप उसको गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में गलत बता रहे हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेंगी। ठीक है, तो और हम फ्री कंसेंट के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये टर्म है बेटा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, हमको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी। सर कंपिटेंसी का मतलब क्या है, वो लायक है कि नालायक है, समझ में आया कि नहीं। कंपिटेंट पार्टी का मतलब क्या होता है, कंपिटेंट पार्टी का मतलब होता है सर बेसिकली वो जो है माइनर है कि मेजर है, राइट, साउंड पर्सन है कि अनसाउंड पर्सन है। तो मेजर मतलब क्या होता है, जो 18 साल है, 18 साल के ऊपर है, वही बंदा क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो साउंड पर्सन है, जो पागल है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो साउंड पर्सन है वही क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी पोर्शन, पोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिस्टेक एंड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स सुपर। ठीक है, मेजर साउंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट जब हम वो पढ़ेंगे, एरिया पर आएंगे, उस समय जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग समझ लो बेटा, वो मेजर होना चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर में बहुत चीज़ें आती है, कॉन्विक्ट आता है उसके अंदर में, देन फॉरेन सोविनार्स एम्बेसडर्स आते हैं उसके अंदर में, कॉरपोरेशन आती है कोई भी, या फिर और भी चीज़ें आती है उसके अंदर में। तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल ये छः बातों पर फोकस करते हैं। ठीक है, फिर लॉफुल कंसिडरेशन। देखो बेटा, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, आप सब लोगों को पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, आपने उसको रिटर्न में कुछ दिया कि नहीं दिया। देखो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि भैया आप तो किसी से भी वादा कर सकते हो। मैंने जो है ध्रुव को बोल दिया मैं देखो मर्सिडीज कार लेकर दूंगा, अभी ध्रुव को खुश करने के लिए बोल दिया, लेकिन मैं क्यों करूंगा वादा, समझ में है कि नहीं। पिंकेश सर आकर अन अकेडमी में क्यों पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, नहीं भाई उनको कमाना है पैसे, इसीलिए वो आकर पढ़ा रहे, राइट, इसीलिए वो अपना टाइम दे रहे। तो बेटा जब तक कंसिडरेशन नहीं होती तब तक एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, जब तक समथिंग इन रिटर्न नहीं मिलता है तब तक जो है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, यस, इसको क्या कहते हैं, क्विड प्रो क्वो कहते हैं। सैमसंग गैलेक्सी, आपका नाम बता दीजिए, लेट मी नो योर नेम, ठीक है, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो नो एंड वेलकम यू टू अवर ग्रुप, राइट राइट। देन वी हैव लीगल ऑब्जेक्ट। सर ये लीगल ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए। सर लीगल ऑब्जेक्ट यानी कि बेटा पर्पस जो है वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल पर्पस मतलब घर बनाना है तो घर कहाँ पे बनाना है, लॉफुल जमीन पे बनाना है। सरकार की जमीन पर आप घर बनवा रहे हो, गलत बात बेटा। ठीक है, आपको जो है किसी से कुछ काम निकलवाना है, राइट, तो लॉफुल होना चाहिए। पता चला आप चोरी का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, चोरी का एग्रीमेंट कर रहे हो, स्टैम्प पेपर खरीद के मतलब चोरी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भैया चोरी का माल आधा आधा बटेगा, ये सभी चीज़ें नहीं होती है, समझ में आए कि नहीं। सट्टा खेल रहे हो, सट्टा खेलने को आप क्या बोल रहे हो, लीगल कह रहे हो, उसके बाद सट्टे में हार जाते हो या जीत जाते हो, पैसे मांग रहे हो या फिर देने पड़ रहे हैं, उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, वो सभी चीज़ें क्या है, इलीगल है। सुपारी एग्रीमेंट सुना होगा बेटा आप लोगों ने, किसी की सुपारी देना, ठीक है, ये भी क्या होता है बेटा, इलीगल होता है। तो पर्पस क्या होना चाहिए सर, पर्पस जो है लीगल होना चाहिए। और आखिरी में क्या लिखा हो बेटा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, यानी कि किसी भी लॉ के अंदर में वो एग्रीमेंट क्या बेटा, वो एग्रीमेंट क्या नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनलॉफुल है, बच्चों की शादी करवाना अनलॉफुल है, किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म करने की कोशिश करना अनलॉफुल है, राइट, जज को इन्फ्लुएंस करना,
उसको जो है धमकाना, विटनेस को धमकाना अनलॉफुल है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनलॉफुल होती है, ओके एवरीवन। उसको पहले से ही बोला गया है कि वो चीज़ क्या रहेगी, वॉइड रहेगी, ओके। किसी को बिजनेस करने से रोकना वॉइड है, समझ में आया कि नहीं। किसी को कोर्ट में जाने से रोकना वॉइड है। इवन आप लोग अगर सट्टा खेलते हो तो वो भी लिखा हुआ है, वॉइड है। जो कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता, जो कॉन्ट्रैक्ट में इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, वो भी चीज़ें क्या है, वॉइड है। ऐसा मैं नहीं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साक्षात कहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 23 से शुरू होता है बेटा, सेक्शन नंबर 23 से जाकर वो सीधा जो है सेक्शन नंबर 30 तक हर बार बताता है कि ये चीज़ करोगे वॉइड रहेगी, ये चीज़ करोगे इलीगल रहेगी। सेक्शन नंबर 30 तक बताता है ये चीज़ करोगे वॉइड रहेगी, सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 30। उसके बाद एक और सेक्शन लेकर आता है सेक्शन नंबर 56, उसके अंदर बोलता है कि अगर इम्पॉसिबल वाली चीज़ें करते हो तो वो भी चीज़ क्या रहेगा, वॉइड रहेगा, ठीक है। हेलो अभिषेक सर, जिसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, यस माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है सर, वॉइड थे, ठीक है। तो ये माइनर के साथ में कोई कैन एनीबडी टेल कि हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहीं पर भी लिखा है क्या कि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड, बताइए, टेल मी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहीं पर भी लिखा है क्या कि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड? मैं आपको जो है सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। सब लोगों से सवाल है बेटा, जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं आज कमेंट बॉक्स में, सब लोगों को बताना है, राइट, क्या माइनर के साथ में एग्रीमेंट करना वॉइड है? ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है क्या कहीं पर? क्या हुआ बेटा अभिषेक, हेल्प क्या इफ इट बिकम्स अ मेजर? देखो माइनर के साथ में एग्रीमेंट करना वॉइड है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ी ना कहता है, ठीक है। यस वेरी गुड, नहीं लिखा हुआ है, कौन कहता है ऐसा? एक केस बताया था, उसमें एक बीबी थी, रुजुता बताओ कौन सी बीबी थी उसके अंदर में, बताओ कौन सा था बेटा उसके अंदर में? इट वॉज, कैन एनीबडी टेल कौन सा वाला केस था? धर्मदास घोष वर्सेस मोरी बीवी, धर्मदास घोष वर्सेस मोरी बीवी के केस के अंदर में प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल मतलब उस समय का बहुत बड़ा कोर्ट हुआ करता था बेटा, उसने बोला था कि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में है कि नहीं? हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। माइनर की बात निकलती है तो कहाँ निकलती है? सीधा सेक्शन नंबर 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट में निकलती है, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को कहीं पर भी नहीं दिखेगा माइनर का नाम, जिक्र ही नहीं दिखेगा बेटा आप लोगों को। यस धर्मदास घोष वर्सेस मोरी बीवी, बहुत बढ़िया, राइट, वहाँ पे लिखा हुआ है, केस में लिखा हुआ है। सो वी हैव गॉट गाइस सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से 6 चीज़ें आएगी, उसके बाद में बाकी चीज़ें आपको जोड़नी है। एग्जाम में मत लिख कर आना सेक्शन नंबर 10 की 6 चीज़ों के बाद में आप ये चीज़ें जोड़ देते हो फ्री में, हाँ, जैसे डोसे के साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा सांभर मिलता है तो आप जोड़ देते हो ना, वो बिल में जोड़ता है क्या? नहीं जोड़ता है, राइट। उसी तरह से सेक्शन नंबर 10 के साथ में ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मत जोड़ना, इसको लिखना, इट इज़ नॉट गिवन इन सेक्शन नंबर 10 बट इट इज़ ऑल्सो असेंशियल। ये कहाँ डिसाइड हुआ था? ये बालफोर वर्सेज बालफोर में डिसाइड हुआ था, राइट। फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन जैसे स्टैम्प पेपर करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, सर्टन होना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे सर्टन मीनिंग का होना चाहिए। मैं बॉटल बेचना चाहता हूँ, मैं वो बेचना चाहता हूँ, तो वो खरीदना चाहता है, ये वो नहीं चलता बेटा, जैसे वहाँ चलता है पति पत्नी और वो में चलता है। कॉन्ट्रैक्ट में आपको सर्टन रहना पड़ेगा कि पेन तो पेन, ब्लैक वाली पेन की ब्लू वाली पेन, राइट, लैपटॉप की कंप्यूटर, कैलकुलेटर की स्कूटर, राइट, ये आपको सर्टन रहना पड़ेगा। मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 4 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में, अरे भाई सर्टन बताना, वेगनेस क्यों ला रहा है तू, इधर उधर की बात क्या कर रहा है, जमाल गोटा खा कर आया है क्या? यस, क्या नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोकोनट चटनी, वेरी गुड, ओके। एंड इट शुड बी पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, मैं चांद तक सीढ़ी बनाऊंगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कहता है कि अगर तू हाँ कह दे तो मैं तेरे लिए चांद तक सीढ़ी बना दूंगा, राइट, अरे गर्लफ्रेंड हाँ बोल देती है, बेवकूफ रहती है ना गर्लफ्रेंड, प्यार में आ जाती है। अरे जो लड़का आपको कह रहा है कि चांद तक सीढ़ी बना के देगा, वो आपके लिए लाइफ में कुछ भी नहीं करने वाला है। गर्लफ्रेंड लोगों के लिए सलाह है मेरी, राइट, जितनी भी लड़कियां गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, ऐसे बॉय को पकड़ो जो अपना काम करता हो अच्छी तरीके से, उसको पकड़ो, समझ में आया कि नहीं, आर यू गेटिंग ऑन नॉट, ओके, जो अपना काम बराबर करता हो वो आपको खुश रख पाएगा, ठीक है। और जो सिर्फ आपके पीछे में पागल हो बेटा, वो आपको भी पागल कर डालेगा, राइट। और बॉयफ्रेंड लोगों को सलाह देता हूँ बेटा गर्लफ्रेंड के रिस्पेक्ट में, राइट, अगर
लड़की बोलती है कि उसके माँ बाप ने हाँ नहीं बोला, वो आपके साथ में भाग चलेगी, तो बेटा ऐसी लड़की के साथ कभी भी शादी मत करना जो 18-20 सालों में अपने माँ बाप का प्यार नहीं समझ पाई, वो आपका प्यार था खाक समझेगी, वो आपसे प्यार नहीं करती, वो अपने आप से प्यार करती है। कैसा लगा? हेमू क्या बोलती है? सर यहाँ 5 ही नहीं लिखा या मेंशन किया है, लिखाएगा कि 5 जीवन? हाँ, आप सिर्फ इतना लिखना कि सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से ये 6 चीजें, बाकी अदर्स आएगा, बाकी अदर्स आएगा, ठीक है। अभिषेक बोल रहा है सर हम सिंगल ही सही है, अभी मजा आता है बाद में नहीं आता है। चलिए, सो आई होप इट इज क्लियर सेक्शन नंबर 10 में क्या है, सेक्शन नंबर 10 के अलावा चीजें क्या है। अब इसको जो है हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ये अलग टॉपिक कवर करना है, ये अलग टॉपिक कवर करना है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, राइट। नवंबर में मैं हूँ बेटा, पूरा कवर कर लेंगे, बैठो बस क्लास के अंदर में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्यार से आराम से बैठो, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए, तो ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने बना के दिया है। अब मुझे आप बताएंगे बेटा कौन सा सेक्शन नंबर 10 में है, कौन सा नंबर सेक्शन नंबर 10 में नहीं है, बताओ गाइस। ये है तो बेटा वाई लिख देना, ठीक है, नहीं तो नो लिख देना, एन लिख देना, ठीक है, वाई और एन, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है कि नहीं है, यस और नो में बताइए, राइट। सेक्शन नंबर 10 में है, हाँ सेक्शन नंबर 10 में है कि नहीं है, क्या बेटा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है सर? एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट तो है ना, तो क्या आएगा? यस। कम ऑन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये नहीं है सर, सेक्शन नंबर 10 में नहीं है, लेकिन किसके अंदर में है? ये जो है बॉलफोर वर्सेज बॉलफोर के अंदर में है, ठीक है, बॉलफोर वर्सेज बॉलफोर। लॉफुल ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये सेक्शन नंबर 10 के अंदर में है, यस सर, सेक्शन नंबर 10 में दिया हुआ है। इवन कंसिडरेशन कौन से सेक्शन के अंदर में डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 2D के अंदर में डिफाइंड है, ठीक है। कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज, क्या कैपेसिटी कंपिटेंट पार्टीज होनी चाहिए? सेक्शन नंबर 10 में है, यस सर है। कौन से सेक्शन में सिखाया गया है? सेक्शन नंबर 11-12, ठीक है, सेक्शन नंबर 11-12 के अंदर में बताया गया है। लीगल फॉर्मेलिटीज, क्या ये सेक्शन नंबर 10 के अंदर में है? नहीं है, राइट। रजिस्ट्रेशन करवाना, वो एविडेंस एक्ट के अंदर में आता है, रजिस्ट्रेशन लॉ के अंदर में आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के अंदर में आता है, वहां पर आता है, राइट। नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये क्या सेक्शन नंबर 10 के अंदर में दिया हुआ है? यस सर दिया हुआ है। इसके लिए कौन से सेक्शंस है? सेक्शन नंबर 23 से लेकर 30, ठीक है, उसके अंदर में आपको सभी वॉइड एग्रीमेंट्स मिल जाएंगे। प्लस एक सेक्शन नंबर कौन सा डालूंगा बेटा? 56, ठीक है, वहां पर भी आपको इम्पॉसिबल वाली चीजें मिल जाएगी। ओके एवरीवन, यस दैट्स प्रीटी ग्रेट। ओके चलिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में क्या डालेंगे? क्या सेक्शन नंबर 10 के अंदर में है? यस yes, है, ठीक है, नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, वो चीज पॉसिबल होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 10 में थोड़ी ना लिखा हुआ है। सर्टेंटी, सर सर्टेंटी है क्या? सर्टेंटी भी सेक्शन नंबर 10 के अंदर में नहीं है, ठीक है भाई। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरत तो सबकी है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि सेक्शन नंबर 10 में लिया है कि नहीं। लॉफुल ऑब्जेक्ट है क्या? यस सर है। फ्री कंसेंट है क्या? यस सर है। लॉफुल ऑब्जेक्ट किसमें दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 23 के अंदर में दिया हुआ है, राइट। ओके उसके बाद में प्री कंसेंट, ये किसमें दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 14 से लेकर सेक्शन नंबर 19A यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में और क्या है बेटा? 20, 21 और 22। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा जवाब जो है अभिषेक दे रहा है, उसके बाद में रुजुता, उसके बाद ध्रुव, विष्णु भी दे रहा है। ओके, दो चार बच्चे फ्री में बैठे हुए क्या जवाब नहीं दे रहे? हेमू, हेमू, हेमू मस्त खाना खा रही होगी, है ना, कितने लोग खाना खा रहे हैं, मस्त से चाय पी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं खाना खा रहे चाय पी रहे। चलिए, प्री कंसेंट सेक्शन नंबर 14 से 19, उसके बाद मिस्टेक के लिए क्या आएगा? 20, 21, 22, है ना, मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए ना वहाँ पर, राइट। सर बुक रिकमेंड करने का टाइम हो गया, ठीक है, तो मैं आपको बुक रिकमेंड, एक ऐसी बुक है दोस्तों मेरे पास में जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सस्ती भी है। अगर मैं बुक का कॉस्ट देखूँ ना तो इट कम्स अराउंड
लिखा तो 150 रुपये है पर आपको नेट में 50 रुपये की मिल जाएगी, ओनली 50 रुपीज़। और आप इसका जो है जो अमेजोन से अगर आप लेते हो तो इसका किंडल एडिशन तो और भी सस्ता है। ठीक है, तो क्या ये बुक देखना चाहेंगे आप लोग? ठीक है ठीक है, या तो आंसर सर मैंने, हाँ ठीक है कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये बुक है दोस्तों, ये देख लीजिए, बुक का जो है शीर्षक आप देख लीजिए, ये बुक आपको बाय करनी है, जल्द से जल्द आज आप इसको बाय कर दीजिए। 50 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अब, हाँ 50 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 50 रुपये का भी नहीं, उससे भी सस्ता ही किताब ये मिलेगा। ठीक है, बुक का नाम देखो बेटा, इसके अंदर में मोटिवेशन भी मिलेगा आप लोगों को और आपके काम का भी रहेगा, और ये आराम से आप उसका एक चैप्टर पढ़ोगे तो आराम से जो है 15 से 20 मिनट में आपका जो है वो एक चैप्टर हो जाएगा इस बुक का। इसके अंदर में 13 स्टेप्स हैं, तो आप रोज जो है इसको पढ़ते हो तो बहुत आराम से हो जाएगा। राइट, स्टूडेंट हु गेट द गुड मार्क्स आर दोज हु आर द ब्रिलियंट और दोज हु क्रैम, ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट हु सिंपली स्टडी स्मार्ट, तो स्टडी स्मार्ट करने के लिए किताब है। अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखो बेटा अभी दिख रहा है, कैन यू सी दिस बुक नाउ? अब तो दिख रहा होगा, अब भी नहीं दिख रहा? ठीक है, तो अब मैं इसका नाम ही बता देता हूँ बेटा, नाम है 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड मार्क्स। ठीक है, आई होप ऐसे दिखे आप लोगों को, 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड मार्क्स। ओके, तो ये बुक आप खरीद लीजिए सर, इसमें केस लॉ भी है। अरे भाई, ये सब आपको बताता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, गुड मार्क्स लाने के लिए कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए वो बताता है। जनरल किताब है, सब लोगों के लिए, सीए के स्टूडेंट्स हो, नॉन सीए के स्टूडेंट्स हो, आईआईटी के हो वगैरह, किसी के भी हो। ठीक है, वो आपको स्ट्रेटजीज बताएगा कि ये स्ट्रेटजीज आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर मार्क्स। ठीक है, राइटर का नाम अश्विन संघी है, बहुत ही बढ़िया राइटर है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड राइटर, इसने इसके पहले भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है। ठीक है, और 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ लिखा उसने, उसके बाद में उसने एक और बुक लिखी थी विच वॉज रिलेटेड टू रामायण एंड महाभारत। ठीक है, और उसने जो है इंडिया का एक बहुत अच्छे बुक्स लिखी है इसने। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड गो एंड बाय दिस बुक। राइट सर, मुझे लगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए भी अपना मॉड्यूल सबसे बेस्ट है, मॉड्यूल को पढ़ो। ठीक है, मॉड्यूल से अच्छा कुछ भी नहीं है बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मॉड्यूल के अलावा भी कुछ आपको पढ़ना है तो अभी वो टाइम नहीं है बेटा कि अलग से किताब के ऊपर में आप पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि 1 महीना बचा है और भी दूसरे सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। जितना अभी आपने पढ़ा है उतना ठीक है, अकेडमिक क्लासेस है, नोट्स आपको मिलते रहते हैं तो उसको नोट्स को कंटिन्यू करते रहो। राइट, अगर आपको बाय करना है तो पादुका की बुक मेरे को अच्छी लगती है, पादुका प्रकाशन, श्री गुरु कृपा अकेडमी करके है चेन्नई वालों की, उनकी बुक्स मेरे को अच्छी लगती है अगर आपको बाय करना है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बाय करना चाहिए अभी कोई भी किताब, मॉड्यूल इज बेस्ट। ठीक है, राइट, सो आज के लिए इतना ही गाइस, कल से हम लोग शुरू करेंगे असेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है अपना, ठीक है, आज का लेक्चर हो गया, कल वापस से रिविजनरी क्लासेस हमारा रहेगा, तो कल आएंगे, कल मिलेंगे अपन। ठीक है, और आप एक छोटा सा जो है मैं आपको जो है टास्क देना चाहता हूँ, टास्क चाहिए बेटा, टास्क आपको ये कंप्लीट करना है, कितने लोग ये टास्क कंप्लीट करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ? राइट, टास्क क्या है सर बताओ जरा। ठीक है, टास्क ऐसा है कि आपको अभी तक जितनी भी यूट्यूब की क्लासेस हमने की है बेटा, ठीक है, वो अपलोड हो गई है, ऑब्वियसली सर अपलोड हो गई है, जो भी हमने लाइव क्लास की थी उस लाइव क्लास के अंदर में आप आए तो थे ऑलरेडी। राइट, उन सभी क्लासेस को जाके लाइक करना है, समझ में आया कि नहीं? जितनी भी इसके पहले की क्लासेस है यूट्यूब के अंदर में, इस चैनल की मेरी क्लासेस, ठीक है, उन सबको जाके लाइक करना है। ओके एवरीवन, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, कम से कम रोज 5 या 6 वीडियोस को आप लाइक करते हो, लाइक का रेशो बढ़ जाता है। आपको पता है 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे बदमाश है, वो हर जगह डिसलाइक करके गए हैं। ठीक है, पता नहीं उनको कौन सी जेलेसी है, मे बी उनको किसी और ने मोटिवेट किया है, मैं तो किसी भी टीचर के अगेंस्ट में नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपका काम बनता है कि आप जाके उनको लाइक करें। पहले अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमने अपने लाइक का रेशो 98% पर लेकर गए, 98% पे, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि हम कितनी फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो कितने लोग ये करने वाले हैं? विष्णु, आप उसका ना किंडल एडिशन देखो अमेजोन के अंदर,
किंडल एडिशन 50 रुपये मिल जाएगा, वैसे भी बुक आने में टाइम लगता है, तो अच्छा रहेगा कि आप किंडल एडिशन लेकर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मोबाइल पर वो आ जाता है, मोबाइल पे पढ़ सकते हो रात में आराम से। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि फिजिकल आपको बुक चाहिए तो मंगवा लो फिर अमेजोन से। 130 रुपीज इज वर्थ, यानी कि 10 प्रिंसिपल्स है, 10 प्रिंसिपल्स के लिए आपको 10 रुपये पर प्रिंसिपल खर्च करना है, आई थिंक इज नॉट वेरी मच। हाँ, कर सकते हो, 130 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। सो इसके अलावा 6:30 बजे आज क्लास है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 6:30 बजे आपकी क्लास है, और साथ ही साथ जो है आपकी आज 4 बजे भी क्लास है। ठीक है, 4 बजे हम लोग जो है कंपनी लॉ को रिवाइज करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते बेटा, ऑलरेडी जो है हम लोग जो है आगे बढ़ चुके हैं, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है, तो मेरा कोड इस्तेमाल करो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो जल्दी से जल्दी। फिर मिलते हैं दोस्तों 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।